हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो फुल पचमढ़ी टूर गाइड रहने वाला है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है आज का। हमने हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, हमें कितना टाइम लगा पचमढ़ी पहुँचने में, और हमने पचमढ़ी में कहाँ स्टे किया, और हमने 2 दिन पचमढ़ी में क्या क्या देखा, ये पूरा इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी नागपुर से। तो नागपुर टू पचमढ़ी डिस्टेंस है 259 किलोमीटर, मतलब 5 hours 50 minutes, लगभग 6 घंटे हमें लग गए थे नागपुर से पचमढ़ी पहुंचने में। हमने बाय कार ट्रैवल किया है इसलिए हमें लगभग 6 घंटे लग गए। अगर आप ट्रेन प्रेफर करते हैं तो पचमढ़ी का नियरेस्ट स्टेशन है पीपरिया, वहाँ से आप टैक्सी या बस की सेवा ले सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमने पचमढ़ी में स्टे किया था इस रिज़ॉर्ट में, ये वुडलैंड एडवेंचर रिज़ॉर्ट है। यहाँ पे हमने 2 नाइट का स्टे किया है और ये रिज़ॉर्ट में हमने 3 टेंट बुक किए थे। ये सब ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी थी हमारी रिज़ॉर्ट की, इसीलिए सबसे पहले पचमढ़ी में आते ही हम इस रिज़ॉर्ट में गए। तो इस रिज़ॉर्ट का कॉस्ट था, 1 टेंट का 1 नाइट का था 3,700। तो उस हिसाब से हमने 2 नाइट का बुक किया था, 3 टेंट थे हमारे यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा स्टे था और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, देखिए अभी आप अंदर से। और जैसे कि आपको पता है, मैंने ये पचमढ़ी टूर के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा मेरे चैनल पे आपको मिलेगा डिटेल में। तो अंदर ये बहुत ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ थी, तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। और टेंट में रुकने का मज़ा ही बहुत अलग है, तो इसलिए हमने सोचा इस बार टेंट में रुकते हैं। ऐसे होटल्स में तो हर बार रुकते ही है, लेकिन ऐसे टेंट में रुकने का भी मज़ा कभी कभी लेना चाहिए। और ये देखिए, अंदर टेंट भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया था और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर में रुक के। वैसे आपको डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, पर फिर भी एक टूर मैं आपको दे देती हूँ इस टेंट का। बहुत ही प्यारा टेंट था ये, और हर फैसिलिटी थी यहाँ पर में, एसी था, टीवी था, सब कुछ, और इवन गर्म पानी की भी फैसिलिटी थी यहाँ पर में। और काफ़ी अच्छा स्टे रहा हमारा यहाँ पर में। तो इस टेंट का जो कॉस्ट था वो 3,500 था विद ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट था इसमें। तो काफ़ी अच्छा डील था ये, और एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा था यहाँ का, आसपास का पूरा ग्रीनरी, और बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी कुछ था। जैसे कि आप मेरे डिटेल वीडियो जो है, जो पचमढ़ी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, टोटल 5 वीडियोज़ है पचमढ़ी के ऊपर में, तो आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पता चल जाएगी। फिर रिज़ॉर्ट में फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल चुके थे पचमढ़ी टूर के लिए। तो पचमढ़ी में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मैं आप अपनी पर्सनल कार यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पहला दिन था, हमने आज के दिन कोई जिप्सी बुक नहीं किए थे, हमने हमारी पर्सनल कार से ही पचमढ़ी टूर किया था आज के दिन। जो जो जगह हम हमारी पर्सनल कार से देख सकते थे हमने वो कवर किए थे आज। तो सबसे पहली जो जगह हम लोग पहुँचे थे वो है गुप्त महादेव। तो यहाँ पे थोड़ा पैदल चलना था हमें, थोड़े दूर चलने के बाद हम लोग पहुँचे गुप्त महादेव। और यहाँ पे थोड़ी लाइन लगी हुई थी, थोड़ा रश था, तो थोड़ा टाइम लेके चलिएगा आप यहाँ के लिए, क्योंकि लाइन में खड़ा होना होता है और उसके बाद जाके नंबर आता है। क्योंकि यहाँ अंदर जाने का रास्ता बहुत ही पतला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ 6 लोगों को वो एक टाइम पे जाने देते हैं, और जब तक वो 6 लोग अंदर से दर्शन करके वापस नहीं आ जाते हैं तब तक दूसरे 6 लोग नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक जन के जाने का रास्ता यहाँ पर में बचता है, तो जाने आने वाले लोग एक साथ एक टाइम पे नहीं जा सकते अंदर। तो इसलिए जब तक हम लोग दर्शन करके वापस नहीं आ जाते हैं तो हमारे बाद वालों को वो अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए यहाँ के लिए थोड़ा टाइम आप लेके चलिएगा, और यहाँ की जो स्टोरी है ये आपको मेरे व्लॉग में पता चल जाएगी। वैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको अभी बता देती हूँ, भस्मासुर के टाइम की बात है ये, जब भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी यहाँ पर में आके छिपे थे, और उनकी जटाएँ, उनके हाथ, उनका पूरा जटाओं का छाप इस गुफा में है, उनके हाथ के छाप इस गुफा में है। तो बहुत अच्छे दर्शन आपको यहाँ पर में करने मिलेंगे। और यहाँ पे दर्शन होने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अंदर तो बहुत ठंडी गुफा है ये, तो
तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये देखिए, ये हाथ के छाप है शिव जी के, और ये है पूरी जटाएं उनकी। तो दर्शन हमारे हो चुके थे, फिर हम लोग यहाँ से निकले थे हमारी दूसरी जगह देखने, जो था बड़ा महादेव। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी बड़े महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये बड़ा महादेव मंदिर है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। लिखा है गुफा है, तो अंदर देखते हैं कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग है, और शिव जी पार्वती जी की मूर्ति है, गणेश जी की भी मूर्ति है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए। बड़ा महादेव मंदिर है ये। तो इस मंदिर के जस्ट सामने में पार्वती गुफा है, जहाँ पे पार्वती जी की मूर्ति रखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गुफा है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे अगर आप पत्थरों से घर बना के जाते हैं तो आपका सही में घर बन जाता है। तो हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे, हम भी एक के ऊपर एक पत्थर रख के जा रहे हैं। यहाँ देखो कितना सुंदर त्रिशूल रखा हुआ है, और इतना बड़ा त्रिशूल है, और त्रिशूल पे डमरू रखे हुए हैं, और हर डमरू पे नाग बना हुआ है। आपको दिख रहा होगा हर एक डमरू पे नाग बना हुआ है, और बड़े वाले डमरू पे सबसे बड़ा नाग बना हुआ है, और शिवलिंग बनी हुई है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे हमारा नेक्स्ट प्लेस विजिट करने के लिए, जो कि था सनसेट पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग अभी आए हैं यहाँ राजेंद्र गिरी उद्यान। यहाँ से एंट्री होती है इसकी। सनसेट पॉइंट में हम थोड़ी देर रुके, यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आई यहाँ पे हमारी। और इसके बाद हम लोग हमारे रिजॉर्ट के लिए निकल चुके थे, और फिर हमने डिनर किया और इस डे को किया एंड। तो ये डे वन हमारा, ये लास्ट विजिट था प्लेस में। फिर डे टू में हम लोग रेडी होके सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया हमारे रिजॉर्ट में। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था यहाँ पर में, तो सब ने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। यहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा है ब्रेकफास्ट, टेस्टी। फिर हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे हमारे पचमढ़ी टूर के लिए। आज के दिन के लिए हमने जिप्सी बुक की थी, दो जिप्सी बुक की थी हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग निकले थे बाइसन लॉज के लिए, क्योंकि वहीं से सारी बुकिंग होती है पचमढ़ी में। आपको जहाँ जहाँ घूमना है वहीं से टिकट्स बुक होती है। ये है बाइसन लॉज। अगर हमें पचमढ़ी में कहीं पे भी घूमना है तो उसके लिए पहले आके हमें यहाँ पे बुकिंग करनी होती है, यहाँ से टिकट लेना होता है। तो हम अभी वही करने के लिए रुकते हैं। फिर बाइसन लॉज में ही ये एक म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में पचमढ़ी में हमें क्या क्या देखने मिलेगा, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दी हुई है पचमढ़ी के, अलग अलग प्लेसेस की फ़ोटोज़ दी हुई है। तो हमने यहाँ पर मैं म्यूज़ियम में थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो ये देखिए, यहाँ पे पांडव गुफा की फोटो दी हुई है, बी फॉल की फोटो दी हुई है, जो कि हम आगे कवर करेंगे ही। और पूरा व्लॉग अगर आपको देखना है हमने कैसे एंजॉय किया, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, पूरा व्लॉग आपको देखने मिलेगा। और काफ़ी एंजॉय किया हमने यहाँ पर मैं दो दिन। तो ये सारी फ़ोटोज़ है यहाँ पर मैं, ये चीज़ें हैं इसका, ये म्यूज़ियम था। फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके थे हमारी नेक्स्ट प्लेस देखने, जो कि थी पांडव गुफा।
तो यहाँ पे बुद्ध लोग रहते थे। इस गुफा का नाम पांडव गुफा है, लेकिन रहते यहाँ पे बुद्ध लोग थे। ये हम देख के आ चुके हैं, यहाँ पे बुद्ध लोग रहते थे, तो ये गुफा है उनकी। ये देख के हम लोग निकल चुके थे हमारी नेक्स्ट प्लेस देखने, जो कि था बी फॉल। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोगों ने सबने स्पोर्ट शूज़ पहने थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना होता है यहाँ पर। मैं तो ये देखिए, ये एंट्री है बी फॉल की। बी फॉल हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो आगे और जाना है हमें थोड़ा यहाँ पे। फिर यहाँ से हम जहाँ मेन वाटरफॉल है वहाँ के लिए निकले। वहाँ के लिए करीबन 400 सीढ़ियाँ हमें नीचे उतर के आना था, और 400 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद में हमें ये ब्यूटीफुल व्यू देखने मिला। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा ठंडा पानी था यहाँ पर में, और बच्चों ने तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है यहाँ पर में। फिर इसके बाद लंच टाइम हो चुका था, तो हम लोग चले लंच करने। ये था बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर में फुल वेज मील ऑर्डर किया था। खाना खा के हम लोग निकल चुके थे हमारा नेक्स्ट प्लेस देखने, जो कि था रीचगढ़। हम लोग पहुंच गए, ये है रीचगढ़, और देख सकते हैं आप, हमें ऐसे उतर के यहाँ से जाना है, तो हम धीरे धीरे जा रहे उतर के, और फिर अंदर देखते हैं। सब बोल रहे हैं बहुत ठंडा है, तो चलो देखते हैं अंदर। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, जिसपे अच्छे से बैलेंस करके हमें नीचे उतरना था, इसीलिए स्पोर्ट शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए, ये है रीचगढ़, और अंदर फिर गुफा भी है वहाँ पर। मैं लास्ट में जाएंगे, पहले यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, फ़ोटो वोटो लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये एक गुफा है यहाँ पे रीचगढ़ में, ये एक गुफा है, तो हम अब इसमें से जा रहे हैं। तो हम लोग इस गुफा से बाहर निकले हैं, और अब हम यहाँ बाहर जा रहे हैं। तो देखो कैसी चढ़ाई होती है यहाँ पे ना, इसीलिए स्पोर्ट शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। हम सब ने शूज़ ही पहने आज, तो चलिए। तो हम लोग अभी पहुँच गए हमारे रिसोर्ट, और अब हम थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, फिर मार्केट चलेंगे आपको लेके। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेडी हुए, क्योंकि दिन भर से हम लोग घूम रहे थे, तो सब लोग थोड़ा फ्रेश हुए, कपड़े वपड़े चेंज किए, और फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे मार्केट के लिए। तो पचमढ़ी का मार्केट एक्सप्लोर करने हम लोग निकले। तो फ्रेंड्स, ये है पचमढ़ी आयुर्वेदा की शॉप। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियाँ मिलती है, जो यहीं पे बनती है और यहीं पे अवेलेबल होती है। तो अगर आप पचमढ़ी आएंगे तो ये शॉप में ज़रूर आइएगा, और यहाँ पे बहुत यूनिक टाइप की जड़ी बूटियाँ हैं, जो तुरंत तुरंत मिनटों में हर चीज़ ठीक करती है। तो हम भी अभी वही देखने जा रहे हैं। फिर हमने थोड़ा और पचमढ़ी मार्केट एक्सप्लोर किया। मार्केट घूमने के बाद हम लोग वापस हमारे रिजॉर्ट चले गए, और हम लोगों ने डिनर किया और इस डे को किया एंड। फिर डे 3 स्टार्ट हुआ, हमने ब्रेकफास्ट किया, और हमारे ही रिजॉर्ट में यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही थी, जो कि था रॉक क्लाइंबिंग, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो सभी ने रॉक क्लाइंबिंग एक एक बार ट्राई किया, और काफ़ी मज़ा आ गया इस एडवेंचरस एक्टिविटी को करके। तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए ये एक्टिविटी करके। फ्रेंड, हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, ये है वुडलैंड रिजॉर्ट, जैसे कि हमने आपको पूरा दिखाया, इसका टूर करवाया था।
चलो फ्रेंड्स निकलते हैं यहाँ से, और बहुत अच्छा स्टे रहा हमारा यहाँ पे, सब लोग बहुत खुश थे, दो दिन यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। तो अब हम पहुँच गए जटाशंकर, यहाँ से इसका रास्ता है, तो अब हम आगे जा रहे हैं, फिर एक गाइड करेंगे जो सब कुछ बताएंगे इस जगह के बारे में। तो ये हमारी लास्ट प्लेस थी पचमढ़ी में, जटाशंकर। तो ये है मंदिर, जटाशंकर गुफा है ये। तो ये आपको दिख रहा है, ये मगरमच्छ का मुंह बना हुआ है, और ये पूरी बॉडी मगरमच्छ की, और ये पीछे है पूंछ, और इन इसके ऊपर में जितने भी वो जो काटे काटे होते हैं मगरमच्छ के, वो यहाँ पर में शिवलिंग बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने शिवलिंग बने हुए हैं, ये सब नेचुरली बना हुआ है। यहाँ पे दर्शन किए हमने, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, और गाइड के थ्रू काफ़ी अच्छी अच्छी बातें पता चली इस मंदिर के बारे में। तो इसीलिए हर जगह पे आप गाइड करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, उन्हें काफ़ी नॉलेज होता है यहाँ के बारे में। यहीं पे एक ये मंदिर है हनुमान जी का, और यहाँ पर मैं रामेश्वरम में जो हमें फ्लोटिंग वाला पत्थर दिखता है, वो यहाँ पर मैं इस मंदिर के पंडित जी ने लाया है, और यहाँ पर मैं सैंपल रखा है। तो हम सब भी वही देखने आए थे और दर्शन करने आए थे। और ये है यहाँ पे फ्लोटिंग वाले पत्थर जो रामेश्वरम में आपने देखे होंगे। ये देखो देखो, आप कितना भी प्रेस करेंगे इसे ये डूबेगा नहीं। ये सारे फ्लोटिंग पत्थर हैं यहाँ पे जो डूबेंगे नहीं। फिर दर्शन करके हम लोग वापस निकल चुके थे, और यहाँ पे हमारा पचमढ़ी टूर एंड होता है। हम लोग यहाँ से वापस नागपुर के लिए निकल गए थे। बाय पचमढ़ी। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा ये हमारा, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।